नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदैव व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आपने सपने में टूटा हुआ झूला देखा है तो जी हाँ, हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ और साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, आइए बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अलग अलग सपने होते हैं। किसी के अच्छे सपने होते हैं तो किसी के बुरे सपने होते हैं, लेकिन सपने सभी को आते हैं। इंसान अच्छे सपने देखकर खुश हो जाता है और बुरे सपने देखकर डर जाता है। तो दोस्तों, यदि आप सपने में टूटा हुआ झूला देखते हैं तो सपने दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आपके सपने भी टूटे हुए झूले की तरह अचानक से टूट सकते हैं। तो कृपया जो आपको सावधान रहना चाहिए, हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और अचानक से फ्लाइट कैंसिल हो जाने के कारण या ट्रेन कैंसिल हो जाने के कारण या कोई दूसरे कारण से आपका घूमने का सपना टूट सकता है। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप इससे भी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं, ऐसा योग बनने वाला है। इसलिए आपको इस सपने से दुखी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यदि आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं तो बस आप थोड़े सावधान रह सकते हैं। अपने जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हैं उसको थोड़ा डबल चेक करिए, दोबारा चेक करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप यह सपने रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, अब मैं यदि बात करूं कि आप ऐसे स्वप्न देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बस अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करनी है कि वो आपको आपके सपने का जो भी अच्छा फल हो बस वही प्रदान करें। अगर आप यह स्वप्न दोपहर या शाम को सोते हुए देखते हैं तो इन सपनों का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और ये सारे स्वप्न निरर्थक स्वप्न माने जाएंगे। तो अब मैं आशा कर रही हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे। राधे राधे। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से बिल्कुल भी ना चूकें, हम आपको उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे।